हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम चैनल, आप सभी देख रहे हैं एस टी सोनम। एस टी सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है साथी के घर में चोरी किसने की भाग चार। कहानी शुरू करने से पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं देख रहा हूँ नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इससे मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुरेश जी की बेटी की साथी के दो दिन पहले ही उनके घर में रखे हुए गहने और पैसे चोरी हो जाते, और जब सुरेश जी अपने परिवार के सदस्य से पूछताछ करते तो उन्हें पता चलता उनके घर का हर एक सदस्य की नज़र तिजोरी में रखे हुए गहने और पैसों पर थी, और सभी ने उसे चुराने की कोशिश भी की थी, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो सका। सुरेश जी कहते हैं, भले ही आप में से किसी ने चोरी ना की हो, लेकिन चोरी करने की कोशिश तो आप सभी ने की है। आप लोग मेरा परिवार है कहते हुए भी मुझे शर्म आती है कि आप लोगों में थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं। अरे मिनी आपकी भी बेटी जैसी है, और आप अपनी ही बेटी के गहने चुरा रहे थे। शर्म आती है मुझे आप सभी पर कि आप सभी मेरे घर के सदस्य। यदि आप सभी ऐसा करेंगे तो आपके बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? क्या सच में आप लोगों को बिल्कुल भी एहसास नहीं अपनी गलती का? सुरेश जी की बातें सुनकर सुरेश जी की बड़ी बहन कहती हैं, सुरेश हमें ज्ञान बाद में दे देना, पहले यह पता लगाओ यदि हम में से किसी ने चोरी नहीं की तो चोरी किसने की है। तुम्हें तो हम सब पर शक था, लेकिन हम में से कोई चोर नहीं निकरा। और वैसे भी तुम्हारे घर में 24 घंटे बाहर वाले रहेंगे, तो घर वालों को क्या ज़रूरत है चोरी करने की? किसी बाहर वाले ने ही चोरी की होगी, विनय की दोस्त की तरफ देखकर कहती। तभी सुरेश जी की पत्नी कहती हैं, दीदी आप कहना क्या चाहती हैं, साफ साफ कहिए। सुरेश जी की बड़ी बहन, जो तुम समझ रही हो वही कहना चाहते हैं। यह विनय की दोस्त 24 घंटे इस घर में ही तो रहती है, क्या पता कभी मौका देखकर इसने ही चोरी कर ली हो। वैसे भी ये घर में कहीं भी आ जा सकती, इसे कोई रुक टुक तो है नहीं। तुम इसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती हो, तो क्या पता इसने ही चोरी की हो, क्योंकि यह अच्छे से जानती है कि घर का कोई भी सदस्य इस पर तो शक करेगा नहीं। सुरेश जी की पत्नी कहती है, आपने बिल्कुल सही कहा, हम में से कोई भी विनय की दोस्त पर शक नहीं कर सकता, क्योंकि वह ऐसा कभी कर भी नहीं सकती। आज पहली बार उसने घर पर पैसे और जेवर नहीं देखे, वह शुरू से ही देखती आ रही है, और उसने आज तक कभी भी चोरी नहीं की। मैं तो उसके भरोसे घर के पूरे जेवर भी रख सकती हूँ, इसलिए आप फालतू की बातें करना बंद कीजिए। सुरेश जी भी कहते हैं, सही कह रही हैं विनय की माँ, विनय की दोस्त चोरी कर ही नहीं सकती। सुरेश जी की बड़ी बहन कहती है, क्यों नहीं कर सकती? पैसे और जेवर देख कर कोई भी बता सकता है, फिर विनय की दोस्त चोरी क्यों नहीं कर सकती? विनय की दोस्त कहती है, बुआ जी आप क्या कह रही हैं, मैं और चोरी क्यों करूंगी? और वैसे भी जिस दिन से चाचा जी मिनी दीदी की शादी के लिए जेवर लेकर आए हैं, उस दिन से मैं घर में ही कहाँ रही हूँ। मैं तो खुद इस शहर से बाहर गई थी, मेरे मामा जी की बेटी की शादी जो थी, और अभी दो दिन पहले ही तो रोत कर आई हूँ। तभी सुरेश जी की बड़ी भाभी कहती हैं, लो मान लिया ना कि तुमने चोरी की है। विनय की दोस्त, मैंने कब कहा कि मैंने चोरी की है? मैंने कोई भी चोरी नहीं की है। आप सभी अच्छे से समझ जाइए, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुरेश जी की बड़ी भाभी कहती, तुम ही ने तो कहा तुम दो दिन पहले आई हो, और हमारे घर में चोरी भी दो दिन पहले ही तो हुई है। तुम जब अपने मामा के यहाँ से शादी से आई तो तुमने यहाँ पर आकर चोरी की। सुरेश जी की सबसे छोटी वाली भाभी कहती हैं, दीदी आप सही कह रही हैं, मैंने भी सुना था। यह विनय से बहुत जिद कर रही थी कि तू अपनी दीदी के गहने मुझे एक बार तो दिखा दे, मैं भी देखना चाहती हूँ चाचा जी कितने सुंदर गहने लेकर आए हुए हैं। विनय की दोस्त कहा था, लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं चोरी मैंने की है, मैंने तो गहने तक नहीं देखे। चाचा जी आप तो मुझ पर विश्वास कीजिए। तभी सुरेश जी कहते हैं, विनय की दोस्त पर फालतू का शक करना बंद कीजिए, आप सभी और असली चोर कौन है उसका पता लगाइए। तभी घर का नौकर कहता है, छोटा मुंह बड़ी बात मारिक, मैंने भी विनय मैम साहब की दोस्त को चोरी होने के एक दिन पहले मार्किन के कमरे में देखा था, और वही कुछ दूर भी रही थी। विनय कहती है, कम से कम काका आप तो यह मत कहिए, मैं तो इस घर में कितनी बार आ चुकी हूँ, आप तो मुझे बहुत अच्छे से जानते, क्या मैं चोरी कर सकती हूँ काका?
हाँ, मैं चाची जी के कमरे में गई थी, बस इसलिए क्योंकि मैं एक बार गहने देखना चाहती थी। विनी के मुंह से मैंने गहनों की बहुत तारीफ सुनी थी, इसलिए मैं सिर्फ गहने देखने के लिए चाची जी के कमरे में गई थी। यकीन मानिए चाची जी मैंने चोरी नहीं की, और मैं चोरी क्यों करूँगी? मुझे चोरी कर कर क्या मिलेगा? यदि चोरी करनी भी होगी तो विनी करेगी ना। आखिरकार विनी भी तो नहीं चाहती थी कि आप अपना पूरा पैसा मिनी दीदी की शादी में खर्च करते। उसे तो इस बात से बहुत परेशानी थी कि आप मिनी दीदी की शादी में अपना पूरा पैसा खर्च कर रहे हैं, और फिर जब उसकी शादी होगी तो क्या खर्च करेंगे। हो सकता है इसी कारण विनी ने ही चोरी कर ली हो। विनी ने एक बार मुझसे कहा था कि वह कुछ भी हो जाए अपना हक दीदी को उसके ससुराल ले जानी नहीं देगी। आखिर मैं भी इसी घर की बेटी हूँ तो मेरा भी पूरा हक बनता है, और आप सभी मुझ पर शक कर रहे हैं। विनी की दोस्त की बात सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ जाते और आपस में कहते हैं, लो संस्कारी बेटी अपनी ही बड़ी बहन के जेवर चोरी कर लिए और हमें ज्ञान दे रहे थे सुरेश भाई साहब। तभी विनी कहती, कैसी दोस्त है तू मेरी, दोस्त होकर मुझे फंसा रही है। विनी की दोस्त, मुझे माफ़ करते, मैं जल्दबाजी में सब कुछ सच सच कह गई, लेकिन मैं क्या करती, तेरे घर वाले मुझ पर ही तो शक कर रहे थे। विनी, तुझ पर शक कर रहे थे इसलिए तू मुझ पर इंजाम लगा रही है। तभी विनी की माँ कहती हैं, तुम दोनों शांत हो जाओ, विनी मुझे सच सच बताओ, जो तुम्हारी दोस्त कह रही है वही सच है क्या? तुम्हें सच में परेशानी थी विनी की शादी से? विनी कहती है, आखिर मुझे क्या परेशानी होगी अपनी ही दीदी की शादी से। मैं तो दीदी के लिए बहुत खुश थी कि उनकी शादी इतने अच्छे परिवार में हो रही है, लेकिन जब पापा दीदी की शादी में इतना खर्च कर रहे थे तो बड़ी बुआ जी मुझसे कहती, देखो तुम्हारे पापा कितना खर्च कर रहे हैं तुम्हारी दीदी की शादी में। मैंने कहा, तो क्या हुआ, हर कोई करता है? तो उन्होंने कहा, करता तो हर कोई है, लेकिन उनकी सिर्फ एक ही बेटी थोड़ी ना है, तुम भी तो उनकी ही बेटी हो। फिर दो चार साल बाद तुम्हारी भी शादी होगी तो तुम्हारे पापा के पास क्या बचेगा कि वह तुम्हारी शादी में खर्च करेंगे? मुझे तो लगता है उनके पास जितनी भी जायदाद है वही सब कुछ मिनी की शादी में ही खर्च कर देंगे, और तुम्हारी शादी में कुछ भी खर्च नहीं करेंगे। यह सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आता, मुझे लगता है कि आप लोग मेरी शादी के लिए कुछ भी पैसे नहीं बचा कर रख रहे हैं। इसलिए उस दिन मैंने गुस्से में आकर अपने दोस्त से यह सब कहा था, लेकिन मेरा कोई भी चोरी करने का इरादा नहीं था। विनी की माँ, इरादा नहीं था का मतलब क्या है, विनी साफ साफ कहो, गुस्से में कहती। विनी कहती, मैं चोरी करना नहीं चाहती थी, लेकिन जिस दिन मुझे पता चला कि पापा दुकान गिरवी रख कर दीदी की शादी कर रहे हैं, उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया। आखिर पूरा पैसा दीदी की शादी में खर्च कर देते और घर मकान दोनों बेच देते तो हम लोग कहाँ रहते? दीदी तो शादी के बाद खुश रहती, लेकिन हमारा क्या होता? मैंने पापा की सारी बातें फ़ोन पर सुन रही थी, और उस दिन मैंने तय किया कि मैं पापा को यही सब कुछ नहीं करने दूंगी। मैं जानती थी कि यदि मैं पापा से बात करूंगी तो कोई ना कोई झूठ बोलकर मेरी बात तार देंगे, इसलिए मैंने यह निश्चित कर लिया था कि अब मैं तिजोरी में रखे हुए सारे पैसे और गहने चुरा लूंगी। और आप सभी को तिजोरी की चाबी इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि वह चाबी माँ अपने पल्लू से बांधे हुए थी। जब मैं रसोई घर में पानी पीने गई तो मैंने देख लिया था, और मैं किसी बहाने माँ से गले रखकर वह चाबी माँ के पल्लू से निकाल लेती हूँ। लेकिन जब मैं तिजोरी खोलकर पैसे और जेवर लेकर जा रही थी तभी मुझे मिनी दीदी देख रहती हैं, और वही मुझसे कहती हैं, तुम ये क्या कर रही हो? मैंने मिनी दीदी को सब कुछ सच सच बता दिया कि पापा आपकी शादी में पैसे खर्च करने के लिए दुकान गिरवी रखती है, और कह रहे थे यदि ज़रूरत पड़ी तो मकान भी गिरवी रख देंगे। आप ही बताइए फिर हम सब का क्या होगा? आप तो ससुराल में खुशी से रहेंगी, लेकिन हमारा क्या होगा? मिनी दीदी कहती हैं, इसलिए तुम अपने ही घर में चोरी कर रही हो? कभी सोचा है जब मम्मी पापा को पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा कि उनकी बेटी ने अपने ही घर में चोरी की? तुम यह पैसे और जेवर यहाँ पर ही रख दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ पापा ने जो मेरी शादी के लिए दुकान गिरवी रखी है वह मैं छुड़वा दूंगी, और मकान भी गिरवी रखने की नौबत नहीं आएगी। बस तुम चोरी कराता त्याग दो और यहाँ से चली जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी।
और ये चाबी भी माँ के पल्लू से बांध दूंगी, उसके बाद मैं कमरे में से चली जाती हूँ। फिर बड़ी बुआ जी कहती हैं, बिनी एक बात बताओ, जब तुम कमरे में से लौटी तो तुम्हारी मिनी दीदी कमरे में ही थी ना? बिनी, हाँ थी। और तिचोरी भी खुली हुई थी? बिनी, हाँ खुली हुई थी, दीदी ने कहा था वह बंद कर देंगी। लेकिन आप क्या कहना चाहती हैं? मैं आपसे साफ साफ कह देती हूँ, मेरी मिनी दीदी चोरी नहीं कर सकती। बुआ जी, मैंने कब कहा कि चोरी तुम्हारी दीदी ने की है? कोई मिनी को बुराए, आखिर आगे की कहानी तुम्हारी मिनी दीदी ही तो सुनाएंगी। बड़ी बुआ जी ने कहा, मिनी कहाँ है? हम सब यहाँ पर हैं और मिनी तो सुबह से दिख ही नहीं रही है। जाओ, नौकरानी से कहती, मिनी को बुला कर लाओ। जब नौकरानी मिनी के कमरे में मिनी को बुलाने जाती तो मिनी अपने कमरे में नहीं होती, और जब वह यह बात आकर नीचे बताती तो बड़ी बुआ जी कहती, लो हो गया दूध का दूध और पानी का पानी, चोरी मिनी ने ही की है और वही चोरी कर कर भाग गई है। तभी सुरेश जी कहते, दीदी अपनी हथ में बुरी है, मेरी मिनी कभी भी चोरी नहीं कर सकती, वही मेरा गौरव है और वही कभी भी चोरी करने के विषय में सोच भी नहीं सकती। तब बड़ी बुआ जी कहती है, फिर कहाँ है आपका गौरव? अभी वही घर पर क्यों नहीं है? सुबह से आकर उसे कहाँ जाना था और किसी को बताकर क्यों नहीं गई? सुरेश जी कहते, होगा कोई काम इसलिए नहीं गई बताकर, अभी मैं उसे फ़ोन लगाता हूँ। जब सुरेश जी मिनी को फ़ोन लगाते तो मिनी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। यह सुनकर तो बड़ी बुआ जी को फिर से कहने का मौका मिल गया, मैंने कहा था ना कि चोरी आपकी बेटी मिनी ने ही की है और वह चोरी कर कर भाग चुकी है। आप हमें संस्कार दे रहे थे, देख लिया आपकी दोनों बेटियों के संस्कार, एक बेटी चोरी के विषय में सोचती है तो दूसरी चोरी कर कर ही भाग गई, और हमें पर कह रहे थे कि हमारे बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा। क्या सच में मिनी चोरी कर कर भाग गई थी या कहानी में अभी एक और ट्विस्ट आना बाकी था? चलिए देखते हैं। बड़ी बुआ जी को मौका मिल चुका था और वही सुरेश जी से उनकी दोनों ही बेटी की बुराई कर रही थी, लेकिन सुरेश जी को विश्वास था कि उनकी बेटी भाग नहीं सकती। बड़ी बुआ जी कहती कि आपकी बड़ी बेटी किसी और से प्यार करती होगी, और वही जेवर लेकर उसके साथ ही भाग गई। सुरेश जी अपनी बड़ी बहन को समझाते तभी मिनी वहाँ पर आती और कहती, बुआ जी यदि मैं किसी और से प्यार करती तो मेरे पापा मेरी शादी उससे भी करा देते, आप उस सब की चिंता मत कीजिए, हाँ तिजोरी में रखे हुए गहने मैंने ही चुराए हुए हैं। बड़ी बुआ जी कहती हैं, देख लो एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी इतनी दम से कह रही है कि तिजोरी में रखे हुए गहने इसने चुराए हुए हैं। सुरेश जी कहते हैं, मिनी तुम क्या कह रही हो, होश में तो हो? मिनी कहती है, पापा मैं जो भी कह रही हूँ सच ही कह रही हूँ, चोरी मैंने ही की है, लेकिन सिर्फ आपकी वजह से। मेरी वजह से? हाँ आपकी वजह से। पापा आप कैसे सोच सकते हैं कि यदि आप मेरी शादी दुकान गिरवी रख कर करेंगे तो मैं ससुराल में खुश रहूंगी, मुझे क्या अपने मायके की चिंता नहीं होगी? और ये कहाँ का रीति रिवाज है कि बेटी की शादी के लिए आप दुकान और मकान दोनों गिरवी रखते हैं? मैं वह सारे पैसे और जेवर मुंशी जी को दे आई हूँ और उनसे यह भी कहकर आई हूँ कि दुकान जल्दी से जल्दी छुड़वा ली जाए। और रही बात मेरी साथी की, तो वह सादा सिंपल बहुत अच्छे से हो सकती है, मुझे कोई भी धूम धड़क का और जेवर की ज़रूरत नहीं है। तभी मिनी का मंगेतर कहता है, मिनी बुरगुर सही कह रही है अंकल, कर मुझे मिनी ने फ़ोन कर कर बताया तो मैंने ही मिनी से कहा था कि तुम सारे जेवर और पैसे लेकर आ जाओ, हम दुकान छुड़वा लेंगे। उसी वक्त मिनी के होने वाले ससुर जी और सुरेश जी के बचपन के दोस्त महेश जी आते हैं और वही कहते हैं, तुमने तो हमारी दोस्ती पर ही करंग रखा दिया, तुमसे हमने कब कहा था कि हमें यह दहेज चाहिए? हमने तुमसे कोई दहेज तो नहीं मांगा था और तुमने हमें इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया कि तुम अपनी बेटी की शादी दुकान गिरवी रख कर कर रहे हो। हम यह शादी कोई भी दहेज के लालच में नहीं कर रहे थे, हमें तो तुम्हारी संस्कारी बेटी चाहिए जो हमारे घर पर आकर हमारे घर को स्वर्ग बना दे। तभी मिनी कहती, बड़ी बुआ जी अभी तो बहुत कुछ कह रही थी, अब मेरी तारीफ नहीं करेंगी? तभी बड़ी बुआ जी कहती हैं, मुझे तो तुझ पर पहले ही विश्वास था कि तू कुछ गलत कर ही नहीं सकती, वही तो ये बड़ी भाभी के आने पर मैंने सब कुछ कह दिया।
बड़ी भाभी कहती, मुझे क्यों फंसा रही हैं? मिनी कहती, आप दोनों शांत हो जाइए। चोरी करने के पीछे मेरा एक और मकसद यही था कि आप सभी की असलियत पापा के सामने आ जाए। वही सोच रहे थे कि आप सभी हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर रुकें, लेकिन आप सभी यहाँ पर सिर्फ लालच की वजह से ही रुके थे। सुरेश जी जहाँ अपने लालची परिवार के सदस्यों की असलियत जानकर दुखी थे, वहीं उन्हें अपनी बड़ी बेटी पर गर्व भी था कि उनकी बड़ी बेटी को पैसों का बिल्कुल भी लालच नहीं था। और उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि उनकी बेटी के साथ ये कैसे घर में हो रही है जहां उनकी बेटी के संस्कारों की कीमतें दहेज की नहीं। दूसरे दिन मिनी और विनीत की शादी बहुत सादा तरीके से और बहुत अच्छे से संपन्न होती है। कहानी यहाँ पर ही समाप्त होती। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर तो आप लोग जरूर करेंगे ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।